आज जो मैं एक टॉपिक लेकर के आया हूँ, बच्चों की ये परेशानी रहती है और बच्चे समझना चाहते हैं इसको कि होता क्या है, खास करके अपने एग्जाम के बाद। अब नई बैच का सवाल क्या रहता है कि सर सीट अलॉटमेंट जो है वो किस तरीके से होता है, लेकिन रिजर्वेशन के बाद किसी को सीट मिलती कैसे है? अब आपको मैं समझाता हूँ किस तरीके से रिजर्वेशन सिस्टम काम करता है। मैं किस कैटेगरी से आता हूँ? मैं अनरिजर्व कैटेगरी से आता हूँ। अनरिजर्व कैटेगरी से आता हूँ मैं रायपुर में। आप देखेंगे रायपुर में मान लेता है अनरिजर्व के लिए 50। अब मेरे मार्क्स आए हैं 620। तो मेरे ऊपर अगर जितने भी बच्चे हैं, जैसे किसी का 621 आया, उसने भी रायपुर का कॉलेज चूज किया है, तो रायपुर का कॉलेज मिल जाए अनरिजर्व की सीट से। अगर कोई एसटी का भी बच्चा 621 लेके आया तो उसे रायपुर की सीट मिलेगी, मेरे से पहले उसको मिलेगी, चाहे मैं अनरिजर्व का हूँ। लेकिन एसटी के बच्चे को अनरिजर्व की सीट मिलेगी, एसटी के वो वाली सीट एसटी काउंट नहीं होगी। अब क्या होगा देखो समझाता हूँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जैसे मान लीजिए मैं अनरिजर्व का बच्चा हूँ, अनरिजर्व के बच्चे जो है वो 650 लेकर 650 से 620 तक जितने लोग हैं उनकी फाइट है रायपुर के लिए, तो 620 मेरा नंबर है, मैंने रायपुर नंबर वन प्रेफरेंस पर रखा, मैं अनरिजर्व कैटेगरी का हूं, तो मुझे देखा जाएगा सबसे पहले मेरे से ज्यादा नंबर वालों ने क्या उसको प्रेफरेंस में डाला है, तो उनको मिलते जाएगा। उसके बाद मेरे मार्क्स आएंगे, मेरा मेरिट लिस्ट में 45 नंबर है, 45th नंबर है, मतलब इसके अंदर मैं आ गया, तो मुझे ये सीट मिल जाएगी।